दोस्तों, मैं शाहरुख स्वागत करता हूं आपका आपका अपने चैनल में स्मार्ट पायनियर ऑनलाइन क्लासेस में। तो जैसा कि हमारी क्लासेस चल रही थी मैथमेटिक्स की, जो कि नंबर सिस्टम में आज सेकंड लेक्चर है, अगर कोई ने नहीं देखा है तो प्रीवियस प्लेलिस्ट में जाकर आप वो लेक्चर देख सकते हैं। तो उसी से आगे कंटिन्यू करते हैं हम। और हाँ, शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं अपने आज। जैसे कि मैं कुछ भागित के नियम लिखाऊं कि डिविजिबल के नियम, लॉ ऑफ डिविजन, मतलब भाग के कुछ नियम लिखाऊं, मतलब भाग के नियम पढ़ेंगे कि कौन सी कोई संख्या दी है तो उसमें दो से भाग कैसा जा रहा है, तीन से भाग इतनी ज्यादा बड़ी संख्या दे रही है तो कैसे पहचानेंगे कि हम इस संख्या में दो का भाग चला जाएगा, तीन का भाग चला जाएगा या नौ का भाग चला जाएगा, ठीक है। सो जनरली मैंने देखा कि दो चार आठ, दो और चार और आठ का नियम जनरली सेम ही है। पहला मैं बोलता हूं दो के नियम में क्या सेम है कि इकाई के अंक में क्या हो, इकाई के अंक में दो से भाग चला जाए। इकाई के अंक में अगर दो से भाग चला जाएगा तो पूरी संख्या में भाग चला जाएगा, कुछ भी ले लो, एक्स्ट्रा कर ले, तीन दो छह सात दो, ये ली मैंने। अगर इकाई का अंक दो आया या दो से भाग जा रहा है इकाई के अंक में, मतलब पूरी संख्या में किससे भाग चला जाएगा, दो से। कैसे, दो एक कम दो बचा, दो छंग बारह, दो तीन छह, दो तीन या छह, दो छंग बारह, ये चला गया दो से भाग। आई थिंक समझ में आ रहा होगा। तो दो से भाग जाने के लिए सिंपल सा हमें क्या चाहिए कि उसके इकाई में क्या अंक में अगर दो से भाग जा रहा तो पूरी संख्या में दो से भाग चला जाएगा। अब क्या बोल रहा है चार का नियम, चार के नियम में बोलता है कि इकाई के साथ, इकाई और दहाई, इकाई और दहाई के अंक में अगर चार से किसी भी संख्या में भाग जा रहा है, मतलब पूरी संख्या में क्या भाग चला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कुछ भी ले सकते हो आप, तीन दो छह सात सिक्स फोर। अब मैं देख रहा हूं कि इकाई और दहाई, इकाई और दहाई में अगर मतलब 64 है, मतलब इसमें अगर भाग चला जा रहा है तो पूरी संख्या में भाग चला जाएगा। कैसे, अब मैं देखता हूं नॉर्मली मैं किससे डिवाइड कर रहा हूं, चार से, तो चार अट्ठे बत्तीस, चार एक कम चार बचा दो, चार चंग चौबीस बचा तीन, चार नाम छत्तीस और चार एक कम चार, भाग चला गया ना पूरा पूरा, समझ रहे होंगे आई थिंक, ठीक है। सो अब देखते हैं आगे आठ का नियम। आठ के नियम के लिए जनरली मैंने एक एग्जांपल लिया, आठ का नियम मतलब इकाई, दहाई और सैकड़ा। अगर इन तीनों में आठ से भाग जा रहा है, मैं क्या बोल रहा हूं, इकाई दहाई सैकड़ा अगर तीनों में आठ से भाग जा रहा है तो मतलब पूरी संख्या किससे भागित हो जाएगी, आठ से। एग्जांपल के लिए है 19 640। अब मैं देखता हूं इसके तीनों अंकों के, आखिरी के तीनों अंक देखना है बस मेरे को, आठ से भाग गया आठ एटी चौथा, हाँ मतलब पूरी संख्या में आठ से भाग चला जाएगा। प्रैक्टिकली 90 लिया है उसने तो ले लो सीधा सीधा, आठ दुनी 16 बचा कितना तीन, आठ आठ त्री चौबीस, आठ पंदे चालीस, आठ त्री चौबीस, ठीक है। तो आठ से चाहिए आठ दुनी 16 बचा तीन, आठ त्री चौबीस, आठ चुके 32 बचा चार, आठ पंजे चालीस, आठ पंजे चालीस, ये चला गया भाग पूरा पूरा भाग आई थिंक चला गया। ये तो समझ में आ रहा होगा कि दो चार और आठ का नियम सेम है। दो का नियम क्या कहता है, किसी भी संख्या की अगर इकाई में दो का अंक दो का भाग चला जा रहा, मतलब पूरी संख्या में दो से भाग चला जाएगा। चार का नियम बोलता है इकाई और दहाई में अगर चार से भाग जा रहा पूरी संख्या में चला जाएगा। आठ का नियम बोलता है इकाई दहाई और सैकड़ा अगर इन तीनों में भाग चला जा रहा है तो पूरी संख्या में आठ से भाग चला जाएगा। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। अब ऐसे ही है तीन और नौ का नियम, तीन और नौ का नियम जैसे मैंने लिया 729। तीन का नियम बोलता है कि इन संख्याओं का आपस में जोड़ लो, कितने नंबर है, तीन नंबर है, तीन नंबर दिख रहा है, इकाई दहाई सैकड़ा तीन नंबर दिख रहा है, इन तीनों को आपस में जोड़ लो। तो 7 + 2 + 9 = 9 9 9 18। अगर जो भी इनका जोड़ आया उसमें अगर तीन से भाग जा रहा है तो मतलब पूरी संख्या में किससे भाग चला जाएगा, तीन से। आई थिंक समझ में आता होगा, मतलब मैंने बोला अगर इनके जोड़ लिया इन्हें आपस में और तीन से डिवाइड कर रहा हूं, अगर इनके जोड़ में तीन से भाग चला गया तो पूरी संख्या में किससे भाग चला जाएगा, तीन से। चलो देते हैं इसको, देते हैं 729 को तीन से डिवाइड करते हैं, तो तीन दुनी छह बचा कितना एक, एक मिलके ये क्या हो गया 12, तीन चुके 12 और तीन त्रिका 243 बार भाग चला गया, मतलब तीन का आपको नियम समझ में आ गया होगा। ऐसा ही सेम नियम है नौ का, ऐसा ही सेम नियम क्या है नौ का, नौ का नियम भी यही बोलता है। अगर जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं 729 ही एग्जांपल ले लिया, मान लो मैंने 729 एग्जांपल ले लिया, मैं क्या बोल रहा हूं इनको आपस में जोड़ दो, इनको यही मैंने लिया हूं 729 मतलब 18 में अगर 9 से भाग जा रहा है
तो मतलब पूरी संख्या में क्या है भाग चला जाएगा 9 से, तो 729 को 9 से डिवाइड करता हूं तो 972 9 मतलब 81 टाइम्स ये डिवाइड हो जाता, आई थिंक समझ में आ रहा होगा। ठीक है, इसी प्रकार आप देखते हैं अपन 5 और 6 का नियम। 5 और 6 के नियम में क्या देखेंगे कि 5 के नियम में जो इकाई का अंक है, जो फर्स्ट डिजिट है, उसमें जो होना 5 और 0 होना चाहिए, 0 और अगर 5 आ रहा है इकाई के अंक में तो 5 से भाग चला जाएगा। जैसे कुछ भी ले लो, सिर्फ इकाई का अंक देखना है हमें, इकाई का अंक में अगर 5 और 0 है तो पूरी संख्या में भाग चला जाएगा, 3, 2, 6, 5, 0 इकाई में क्या है 0 अंक में, तो इस संख्या में पूरे में भाग चला जाएगा, किसका 5 से भाग चला जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार मैं देखता हूं किसका 6 का। 6 के लिए क्या हमारे को याद रखना है कि किसी भी संख्या में अगर 6 से भाग देना है तो उस संख्या में अगर 2 से और 3 से, मैं ये बोल रहा हूं 2 और 3 से, मतलब उस संख्या में 2 और 3 एंड और अगर इन दोनों से भाग जा रहा है तो पूरी संख्या में किससे भाग चला जाएगा, 6 से भाग चला जाएगा, मैं आपसे यही बोल रहा हूं। ठीक है, सो और इसके बाद में सबसे अच्छा है कि 11 के नियम में हम क्या करेंगे, 11 के नियम में हम क्या करेंगे, तो 11 के नियम को समझने के लिए मैं जनरली एक एग्जांपल आपको समझाता हूं, अच्छे से समझ में आएगा। जैसे है 2, 5, 4, 5, 9, 5 ये संख्या लिखी है। अब मेरे को चेक करना, मेरे को दिख रहा है इसमें 5 से तो भाग जा रहा है क्योंकि इकाई का अंक 5 है, अब मैं चेक कर रहा हूं इसको 11 से भाग जा रहा है क्या, तो क्या करना है एकांतर अंक देखना। एकांतर अंक कैसे, मतलब समझेंगे कि एकांतर अंकों का योगफल बराबर हो, एकांतर अंक मतलब क्या, अल्टरनेट नंबर का योगफल बराबर हो, मतलब 2 यहां से यहां जाऊंगा फिर यहां से यहां, मतलब 1 को छोड़ के 1, फिर इसको 2 लिया, 5 छोड़ा 4 लिया, 5 छोड़ा 9 लिया, फिर ऐसा ही इसका जोड़ बराबर होना चाहिए दूसरे एकांतर अंकों को छोड़ के, मतलब 5 से ये गया ये गया। ठीक है, तो मैं बोल रहा हूं इसमें कि एकांतर अंकों का जोड़ बराबर होना चाहिए। ठीक है, मैंने बोल दिया कि एकांतर अंकों का जोड़ बराबर होना चाहिए, तो देखो क्या हो रहा है, इसको जोड़ लिया मैंने एकांतर 2, 5 तो लूंगा नहीं, 1 को छोड़ना है, 2 धन 4 धन 9 बराबर होना चाहिए किसके, 5 धन 5 धन 5 के, तो 9, 4 और 2, 6 और 9, 6, 15 बराबर हो गया 15, मतलब ये चीज क्या आ गई, ये LHS बराबर, मतलब कि एकांतर अंकों का योगफल क्या आ गया बराबर आ गया, मतलब पूरी संख्या में किससे भाग चला जाएगा 11 से। अब चेक करते हैं, ठीक है, अब हम चेक करने वाले हैं इसको डिवाइड करने वाले हैं किससे 11 से, तो देखेंगे भैया 25 है, 11 गुनी 22 बचा कितना 3, मतलब ये बन क्या होगा 34, 11 तिया 33 बचा कितना 1, 15 बचा, 11 एकम 11 बचा कितना 4, 49 हो गया, 11 चौक 44 बचा कितना 5, वो 11 5 55 सीधा सीधा भाग जा रहा है कि नहीं। तो यहां तक ना कि जो डिविजिबल वाली चीजें हैं कि हमने जो नियम होते हैं नॉर्मली वो हमने देख लिए, अब आगे चलते हैं अपन। ठीक है, तो अपन देखेंगे नॉर्मली एक चीज आगे आती है, एक कॉन्सेप्ट है सिंपल सा, उससे क्वेश्चन सीधा सीधा पूछता है एग्जाम्स में कि जनरली हम किसी भी संख्या का भाग देते हैं तो भाग के ऊपर ये कि जो जिससे भाग देना है वो क्या है उसे कहते हैं भाजक, जिसमें भाग देना है उसे क्या बोलते हैं भाज्य, मैं क्या बोल रहा हूं जिससे भाग देना है उसे क्या बोल रहा है भाजक, जिसको भाग देना है उसे बोलते हैं भाज्य, जो आखिरी में प्राप्त होता है उससे शेषफल, और जितनी बार भाग जाएगा उसे क्या बोलेंगे भागफल। इसी चीजों को कंक्लूजन मतलब मिक्स करके एक चीज बनी है कि भाज्य बराबर, मतलब जिसको भाग दे रहा है भाज्य बराबर होता है भाजक गुणित भागफल धन शेषफल, मैं क्या बोल रहा हूं भाज्य बराबर होता है भाजक गुणित भागफल धन शेषफल। प्रैक्टिकली प्रूफ कर लेते हैं अपन, 27 को भाग दिया मैंने 3 से तो कितनी बार जाएगा 9 बार, शेषफल 0 आया। अब मैं देखूंगा क्या, मैं बोल रहा भाज्य मतलब 27 बराबर क्या भाजक गुणित भागफल, भाजक क्या है 3 गुणित 9 प्लस शेषफल 0, मतलब 27 बराबर 27 आ गया, मतलब मैं प्रैक्टिकली क्या हो गया इसको प्रूफ कर दिया मैंने कि हाँ ये चीज जो लिखा मैंने ये चीज सही है। ठीक है, तो जनरली ये हमको पता होना चाहिए, बेसिक सी चीज है। अब इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन होता है, इसको तर्क करने का 2 तरीका होता है, एक तो होता है पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे उसके बाद हम सोचेंगे कि किसी संख्या को 296 से भाग देने पर, किसी संख्या को 296 से भाग देने पर शेष 75 बचता है, शेष कितना बच रहा है 75 बचता है, उसी संख्या को 37 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा, शेषफल क्या होगा। ठीक है, तो 2 तरीके होता है, एक होता है लॉन्ग मेथड,
लॉन्ग मेथड ये कहता है कि जनरली ये चीज अप्लाई करेंगे उसमें भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल। मैं क्या बोल रहा हूं, दो तरीके उससे होता है, एक तरीका जो बिल्कुल शॉर्टेस्ट होता है वो ही देखेंगे अपन। नॉर्मली एक तरीका ये होता है, किसी संख्या मान लो किसी संख्या को 296 से भाग दे रहा हूं मैं, तो क्या बच रहा है, भाग देने पर क्या बच रहा है, शेष 75 आ रहा। तो मान लो कोई भाग x बराबर क्या होगा, तो यहां y बराबर इसके बाद में 296 गुणित x प्लस 75। तो ऐसा सॉल्व करेंगे तो दो तीन इक्वेशन बनेंगे, उसको फिर सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन नहीं, हम एग्जाम किसके कॉम्पिटिशन में आए हैं, ये चीज हम नहीं करेंगे। हमको क्या करना है, हमको सिंपल सी चीज करना है। क्या क्या हो रहा है, किसी संख्या को 296 से भाग देने पर शेषफल कितना बच रहा है, 75। ठीक है, उसी संख्या को 37 से भाग देने पर शेष क्या होगा, तो सिंपल सा जो भी शेष बच रहा पहले वाला उसमें दूसरे वाले से भाग दे दो। सिंपल सा मतलब मेरा कितना बच रहा है शेषफल, 75 शेषफल बच रहा है, सिंपल सा इसमें भाग दे दो किसका, 37 का, आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा होगा, सिंपल सा शॉर्टकट है यही, यही अपने को अपनाना है। देख के क्वेश्चन होगा, इतना बड़ा देखने में डर लग रहा है लेकिन देख के क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो 37 में 75 मतलब 75 शेष बचता है, उसी संख्या को 37 से भाग दे दिया, मतलब जो शेष बच रहा है उसी को सीधा 37 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, तो दो टू टाइम्स में जाएगा कितना, 4 और 7 मतलब क्या आ जाएगा, 3। तो शेषफल कितना है, 37 2 कर दूंगा, 7 14 4 1 3 6 और 7 ये हो गया 74। 74 एक बचा, क्या बचा, 1। तो आंसर क्या आ गया मेरे पास क्वेश्चन का, सिंपल सा आंसर ये आया कि शेष वहां क्या बचेगा, 1। 1 नंबर पे टिक कर दोगे आपका आंसर आ जाएगा। आई थिंक ये चीज समझ में आ रही होगी, इससे सिंपल सिंपल सा ये लैंग्वेज देगा आपको, सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, तो ये इस टाइप पे इसमें क्वेश्चन बनता है इस मेथड से। ठीक है, तो आई थिंक समझ में आ रहा होगा। अब नेक्स्ट क्लास हम कर लेंगे। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच।